हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं किचन एसेंशियल की, जो स्टेनलेस स्टील 3-in-1 का है, जिसको हम मल्टी कढ़ाई भी कह सकते हैं। ये स्टीमर मैंने इसलिए लिया है ना कि इसमें इडली बना सकते हैं, पोहा बना सकते हैं, ढोकला बना सकते हैं, मोमोज, मिनी इडली, केक और भी बहुत कुछ। तो एक बार खरीद लेने से क्या है ना, इसमें फिर देखना नहीं पड़ेगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, सब्जी भी बना सकते हैं। और इसमें मतलब तो जैसे नहीं जल जाता है, तो उसमें क्या है ना, साफ़ सफाई करने में भी इजी है। थोड़ा सा पानी में वेट कर लेंगे, फिर उसके बाद 5-10 मिनट के बाद आराम से साफ़ हो जाता है। तो ये देख सकते हैं, इसमें 6 प्लेट्स मिली हैं और कढ़ाई के साथ ढक करने के। ये पोहा बनाने के लिए यूज़ हो सकता है, केक भी इसमें, पर साइज़ में बड़ा होगा तो उस हिसाब से क्या है ना, केक के लिए केक का जो कंटेनर आता है उसी में बनाने से अच्छा होगा। और ये है कढ़ाई, ये इडली वाला ढांचा है। इस तरह से ये ढक्कन आएगा। अब इसको रख देते हैं साइड में। और भी मैंने बर्तन खरीदे हैं, ये है तांबे का ग्लास। इसमें क्या होता है ना, कहा जाता है कि इसमें रात भर पानी रख के सुबह खाली पेट पीने से सेहत अच्छी बनी रहती है। सो ये मैंने ख़रीदा है। और ये पिगविन का नॉन स्टिक तवा है। इसमें रुके, अनबॉक्सिंग नहीं हो रहा, निकल जा। अरे फाइनली, ये नॉनस्टिक तवा है, 5 लेयर कोटिंग है और रिक्वायर्स मिनिमल ऑयल, मतलब कम ऑयल में भी हो जाएगा। और जैसे इसमें होता है ना, चिपक गया तो उसको निकालने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और हैंडल जो है वो हमेशा ठंडा ही रहेगा, गर्म नहीं होगा। और इसमें बोला गया है ना कि लकड़ी का कलछी यूज़ करने के लिए, ताकि स्क्रैच मतलब दागे जैसा होता है वो ना हो। इसके लिए दुकानदार ने ही दे दिया है, वो भी इसका पड़ा है मुझे 500 और मल्टी कढ़ाई का पड़ा है 1500। ऐसे तो 1700 बोला जा रहा था, तो मम्मी ने बार्गेनिंग करके 1500 में ले लिया। और ये है दो ढक्कन के साथ है ग्लास, देख सकते हैं।